हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है डिजिटल स्टडी का। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज 10 अगस्त का अपडेट आपके सामने है। UPBED एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कल आपका 9 अगस्त को कंडक्ट हो चुका है और कल के बाद में आज का अपडेट आज का ये है कि 74,000 अभ्यर्थियों ने अपनी ये परीक्षा जो है वो छोड़ दी है। कट ऑफ पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कई सारे आपके क्वेश्चंस भी हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। साथ में एक महासर्वे भी चलाया डिजिटल स्टडी ने, इसमें भी आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में एक बात चल रही थी कि रिजल्ट कब आएगा, किस कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस थे। तो आप डेट नोट कर लीजिए, डेट मैं आपको बता देता हूँ। 5 सितंबर, 5 सितंबर को आ जाएगा आपका रिजल्ट। 5 सितंबर 2020 को रिजल्ट आ जाएगा। और बात चल रही थी ऑफिशियल आंसर की, वैसे आंसर की तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था वीडियो के माध्यम से, जो भी आपने क्वेश्चन बताए हैं। लेकिन फिर भी यदि ऑफिशियल आंसर की आपको चेक करनी है, तो ऑफिशियल आंसर की चेक करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अभी 10 दिन का, ठीक है। 10 दिन वेट करना पड़ेगा या फिर 8 दिन में आपको जो है वो आंसर की आ जाएगी। मान के चलिए आपकी एक हफ्ते में, मान के चलिए लगभग 7 दिन में आंसर की दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चंस कई प्रकार के कमेंट थे। काउंसलिंग आपका होगा, ये काउंसलिंग की डेट आपका 21 सितंबर से निर्धारित की गई है। 21 सितंबर से, 5 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा, 21 सितंबर से लेकर आपका और 18 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। लगभग 1 महीने आपकी काउंसलिंग होगी। और नया सेशन कब से स्टार्ट होना है, ये भी कई प्रकार के क्वेश्चंस थे। यदि नए सेशन की बात करें तो एकेडमिक आपका स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से। जी हाँ, अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, यदि कोरोना महामारी के बीच में ऐसी कोई दिक्कत वगैरह नहीं रही तब, ठीक है। चलिए कट ऑफ के सर्वे की बात करेंगे थोड़ा सा अमर उजाला की वेबसाइट पर लेकर। तो हम आए हैं अमर उजाला की वेबसाइट पर। अमर उजाला ने आज ये खबर प्रकाशित की है, 17% अभ्यर्थियों ने छोड़ी बीएड प्रवेश परीक्षा। 77 जिलों में के 1,089 केंद्रों पर 357,064 अभ्यर्थियों ने दिया पेपर। देखिए कुल मिलाकर जो है वो 357,064 अभ्यर्थी से इस परीक्षा में शामिल 73 जिलों के 1,089 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई थी 9 अगस्त को। इनमें से आपका देखिए रजिस्टर्ड कितने थे ये यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर्म अप्लाई कोविड 19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों को रविवार को ही बीएड प्रवेश परीक्षा में 17% अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हुए हैं। इनमें से 73 जिलों और 189 केंद्रों पर पंजीकृत छात्र थे यहाँ पर 4,31,904, ठीक है। तो कुल मिलाकर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर लगभग 74,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा जो है वो छोड़ दी है, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट पिछले ईयर की बात करें तो लगभग 7% या फिर 8% तक जो है वो मैक्सिमम रहता था, अबसेंट जो है वो मैक्सिमम इतना ही रहता था, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट आपका देखिए, वेब कैमरों की निगरानी में हुई प्रवेश परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई। मेरठ में फर्जी प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा देने के प्रयास में एक महिला को रोका गया। वहीं कोरोना संक्रमण की आशंका और तापमान होने पर 4 परीक्षार्थियों की परीक्षा अलग कमरे में बैठाई गई। इसमें 3 अभ्यर्थी प्रयागराज के और 1 आपका बहराइच का था। बाकी चीज़ें वही है आपका, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने बाकी अब चीज़ आपको बता दी है। देखिए फिर आपका ये दिया है, यहाँ पर 3 बार तारीख बदली थी, पहले आपका 22 अप्रैल, 29 जुलाई और अब 9 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि, तो ठीक है, बस यही कुछ था यहाँ पर जो है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर सरकारी कॉलेज सही रहेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज सही रहेगा। तो देखिए ये आपकी चॉइस है क्या कौन सा सही रहता है। कुछ लोग अच्छे नंबर आने के बावजूद भी जो है वो प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में आप डिफ्रेंस ये समझ लीजिए कि सरकारी कॉलेज में आपको डेली जाना पड़ेगा, उसमें 75% अटेंडेंस आपका जो है वो अनिवार्य रहती है, ठीक है। डेली आपको जाना पड़ेगा, ऐसे मानिए कॉलेज को, चाहे आपका कॉलेज कहीं भी मिला हो तो वहाँ आपका रेंट पर रहकर भी आपको पढ़ाई करनी पड़ सकती है। साथ में आपका यदि इसके विपरीत यदि प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट में जो है आपका नहीं भी जाना पड़ सकता है, कॉलेज से सेटिंग हो जाता है तो कॉलेज वाले नहीं भी बुला पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सरकारी कॉलेज में फ़ायदा ये है, प्लस पॉइंट आपको बात करें तो सरकारी कॉलेज में फ़ीस आपका जो है वो 10,000 तक में काम हो जाता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 10,000 से सब कुछ काम हो जाता है। जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपका 51,200 की तो फर्स्ट ईयर की ही फ़ीस है आपकी, उसके बाद में आपका जो है 1 साल का खर्चा भी आप लगा लीजिए आने जाने का, कुछ भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो आपको करीब 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा आपको खर्च होकर निपट पड़ सकते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो है 1 साल में आपका जो 61,000-62,000 रुपये का खर्चा लगभग बैठ जाएगा यहाँ पर। तो
ऑब्वियसली जो है सरकारी सीट अच्छी है, क्योंकि जो लोग जा सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं वो लोग सरकारी चूज़ करेंगे, जो लोग नौकरी करते हैं या फिर किसी वजह से कॉलेज नहीं जा सकते तो वो लोग यहाँ पर प्राइवेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा फ़ीस आपके लिए ज़्यादा रहेगा। एकेडमिक की बात करें, देखिए एकेडमिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप यहाँ पर एकेडमिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपर टेट में आपको यहाँ पर जो है वो 10% जो है मार्क्स इसके काउंट होते हैं, तो अच्छी परसेंटेज आने के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए यदि आप पढ़ेंगे तो 10% मार्क्स जो है वो सुपर टेट में इंक्लूड होंगे और इसी नौकरी के लिए तो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो एकेडमिक आपकी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी अक्टूबर में, साथ में बस सभी क्वेश्चन आपके डाउट यही थे क्लियर हो गए होंगे लगभग, मैंने आपको सभी चीज़ें सही बता दी होगी। और बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ यहाँ पर रह गई है। कट ऑफ आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल बनने के बाद जब यहाँ पर पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चन भेजा है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कट ऑफ का महासर्वे है। साथ में आप देखिए 100 से कम यदि आपने किए हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑप्शन टिक कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर टिक किए हैं। यदि आपको कुछ भी और पता है, कुछ भी और बताना चाहते हैं तो नीचे आप यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम साइंस का पेपर जो है वो एनालिसिस नहीं कर पाए थे क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो है हमारे पास वो नहीं आ पाए थे। तो यदि आपके पास साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं तो आप इसी सर्वे में जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका यदि डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दूसरी वीडियो में आपके सारे डाउट में एक बार में क्लियर कर दूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।